चाहिए सबसे पहले बन रहा है चपली कबाब मर्दान वाला। आई वाह आई वाह माशाल्लाह। नमक मंडी का है ये कह रहे हैं जी। ये नमक मंडी जो है मुल्तान में पेशावर में उसका सेमसेम बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त शमसुद्दीन एक नई फूड रिव्यू वीडियो के साथ। तो लास्ट जो हमने वीडियो बनाई थी रियाद में काफ़ी ज़बरदस्त रही थी, अमेजिंग तंदूरी की वीडियो। तो इस बार हम ट्राई करने जा रहे हैं जी, एक यहां पे खैबर होटल है तो चिकन कढ़ाई इनकी बहुत ही अमेजिंग और ज़बरदस्त है। और नमकीन कबाब बनाते हैं मटन के, वो भी काफ़ी अमेजिंग है इन लोगों के और बहुत ही ज़बरदस्त और फेमस है यहाँ के। उसके बाद हम ट्राई करेंगे इनके चपली कबाब जो कि बहुत ही कमाल के बनाते हैं ये लोग, जैसा कि मैंने सुना है। तो चलें आपको लेके चलते हैं और ट्राई करते हैं जी पाकिस्तानी। ये लोग कहते हैं कि हम जी चरसी जो कढ़ाई है पेशावर में उसकी तर्ज की बनाते हैं और कबाब भी जो है इनके पेशावरी हैं। तो चलें चेक करते हैं क्या सीन है इनका। सबसे पहले जो लोग नए आए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो ये जी हम आप पहुँचे हैं वाजपात सरिया बुआबा खैबर पर, तो बहुत ही फेमस पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है। देखिए जी हमारे साथ है ये नन्ना सीईओ इस होटल का। क्या नाम है आपका? अरसलान खान। है स्कूल जाते हो? हाँ जाते। कौन सी क्लास में? सेकंड में। माशाल्लाह अच्छी तरह से पढ़ना है। ये होटल में अभी नहीं पढ़ जाना, पहले पढ़ना है अच्छी तरह से, बाद में काम करना। ये देखें जी ये सबसे पहले बन रहा है चपली कबाब मर्दान वाला। आई वाह ये देखें ज़रा, इन्होंने पूरा रेडी करके रखा हुआ है मसाला वगैरह। ये चेक करें बिल्कुल दर्दर किस्म के साबुत मसाले डाल रहे हैं, काफ़ी ज़बरदस्त। स्पीड चेक करें भाई साहब की। आई वाह आई वाह माशाल्लाह। ये चेक करें जी ये पूरी मशीन बनी हुई है। ये देखें ये पूरा सेक्शन बना हुआ है। ये हमारे लियाकत भाई जो है वो बहुत ज़बरदस्त से करके तैंतीस साल हो गया ये कबाब बनाते बनाते। तो आप देख सकते हैं कि कैसे ऐसे टेस्ट कैसा बना रहे होंगे ये लोग। अरे वाह माशाल्लाह। ये कौन नमक मंडी का है? ये कह रहे हैं जी ये नमक मंडी जो है मुल्तान में पेशावर में उसका सेमसेम बना रहे हैं। ये देखें इन्होंने रेडी करके रखा हुआ है गोश्त, तो इसको कढ़ाई में डाल के, तो इसको रेडी करके इसमें ये मसाले वगैरह डाल के, तो ये बिल्कुल रेडी हो जाती है तो और चली जाती है कस्टमर के पास। ये चेक करें कैसे बिल्कुल साबुत मसाले जा रहे हैं इसके अंदर। आई वाह। और ये चला गया जी सब्ज खुश्क धनिया। तो ये जी होगी हमारी कढ़ाई बिल्कुल रेडी। आई वाह ये चेक करें जी, कलर चेक करें इसका और खुशबू तो बड़े कमाल की है। ये देख वाह ज़बरदस्त। ये देखे जी ये बन रहा चाप टिक्का नमकीन है, ये मटन का है। आई वाह माशाल्लाह। देखें इन्होंने साथ में टमाटर वगैरह लगाए हुए हैं। ये चेक करें ये नमकीन चांप जो है ये रेडी कर रहे हैं, बिल्कुल सादा गोश्त इन्होंने लिया है, थोड़ी सी चर्बी वाला, और इसको सीख पे लगा के। तो मसाले कौन कौन से लगाते हैं?
कुछ भी नहीं, सिर्फ नमक है। ये चेक करें जी, बिल्कुल सिंपल, ये नमक डाल दिया इसके ऊपर और ये हो गई रेडी। वाह जबरदस्त माशाल्लाह। ये चेक करें जरा कैसे रौनके लगी हुई है, हाउस फुल है। ये देखें जी हमारा ऑर्डर आ गया, तो इसमें सबसे जो ज़बरदस्त चीज़ इन्होंने बनाई है ये देखें कैसा गोल्डन सा कलर बना के इसका। ये नमकीन टिक्का है, मटन टिक्का, वो तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसको बनाया। इसके साथ ये देखें इन्होंने रेड चिली वगैरह दी है, इसको भी बारबेक्यू किया है, और ये साथ में देखें टमाटर, वाह कमाल का है। तो उसके साथ ये आ गई हमारी कढ़ाई, कढ़ाई भी बहुत ही अमेजिंग तरीके से बनाते हैं ये लोग, काफ़ी फेमस है इनकी। और ये सबसे अमेजिंग ये देखें रोटी, ये उज़्बेक रोटी है, तो काफ़ी ज़बरदस्त होती है ये भी। तो चलें सबसे पहले मैं ट्राई करूँगा कढ़ाई से, ये देखें ये देखें जी हमारी कलरफुल सी कढ़ाई है, ये चेक करें। मतलब जितना मैंने शोर सुना हुआ था कि इनकी कढ़ाई जो है वो बहुत कमाल की है। कढ़ाई को आप आंखें बंद करके 10 out of 10 दे सकते हैं, अमेजिंग है, कमाल की बनाई हुई है। गोश्त जो है वो बिल्कुल टेंडर, नरम, सॉफ्ट, और मिर्च मसाला जो है स्पाइसी, बिल्कुल रेगुलर से स्पाइसेस हैं, थोड़ा सा स्पाइसी की तरफ सेट जाती है लेकिन इतना फील नहीं होती, लेकिन ओवरऑल बहुत ही कमाल का टेस्ट है, अमेजिंग। तो ये जो रोटी बनाई है ये भी बहुत कमाल की है, जैसे नान होता है ऐसे बनी है, उज़्बेक रोटी इसको बोलते हैं। तो कढ़ाई के साथ ये बहुत ही अमेजिंग है इसका टेस्ट। तो इनकी जो कढ़ाई है मटन कढ़ाई, ये भी बहुत ही मतलब एक रेगुलर सी, ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं है, और बहुत ज़बरदस्त भुनाई जो है इन्होंने बहुत अच्छी सी की है इसकी, तो काफ़ी अमेजिंग टेस्ट है इसका। यह देखें ज़रा, इसको मैं थोड़ा सा चटनी के साथ, रायते के साथ चेक करूँगा। ये आ गए जी हमारी, अदरक का और धनिया का जो है वो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आ रहा है इसमें, और टमाटर जो है अच्छी खासी क्वांटिटी में डाले हुए हैं, लेकिन जो स्पेशल जो सबसे मतलब ज़बरदस्त जो खुशबू आ रही है इसमें, टमाटर भी काफ़ी ज़्यादा डाले और भुनाई जो है बहुत अच्छे तरीके से की है। आप देख रहे हैं कि लुकमा जैसे ही आप लेंगे तो सीधा मतलब चबाने की इतनी ज़रूरत नहीं है, वाह कमाल का टेस्ट है, अमेजिंग। और ये जी हमारा कबाब, तो ये ज़्यादा गोश्त जो है इसमें चाँप का है, ये देखें हड्डी वाला गोश्त है और हल्का सा चर्बी वाला भी है। चलें इसको चेक करता हूँ, वाह बहुत ही अमेजिंग, और बहुत ही सॉफ्ट, और मसाला तो बिल्कुल नहीं कोई भी लगाया, लेकिन पकाया इतने अच्छे तरीके से है कि मटन का जो सबसे बड़ा मसाला होता है ये सॉफ्ट नहीं होता, टेंडर नहीं होता, लेकिन ये बहुत ही अमेजिंग सा बना हुआ है। आप देखेंगे इसको आराम से हाथ से खींचेंगे तो हड्डी से लैदा होगा, तो बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ है, और चर्बी वाला गोश्त है, तो कमाल का टेस्ट है इसका। क्योंकि कबाब बहुत ही स्पाइ मतलब रेगुलर है, बिल्कुल साल्ट का टेस्ट है इसमें, कोई भी मसाला इन्होंने नहीं लगाया, और बहुत ही अमेजिंग तरीके का बनाया हुआ है। तो इसको मैं थोड़ा सा चिल्ली के साथ चेक करता हूँ, ये देखें ये आ गया हमारा चिल्ली के साथ, अमेजिंग।
जैसे ये बारबेक्यू हो रहे हैं, लगता नहीं है कि इतने सॉफ्ट और इतने नरम होंगे, और मिर्ची के साथ ये है कि थोड़े से स्पाइसी हो जाते हैं, तो जो लोग स्पाइसी खाने वाले हैं उनके लिए एक एथेटिक टेस्ट बन जाता है। वैसे ये नमक के साथ भी बहुत ही अमेजिंग टेस्ट, अमेजिंग है, मज़ेदार है। मतलब आप कढ़ाई को भी 10 out of 10 देंगे और इसको तो 100% आप 10 out of 10 ही देंगे, क्योंकि ये जितने सॉफ्ट और टेंडर बने हैं ये नहीं बनते, बहुत मुश्किल काम है, अमेजिंग। ये देखें जी हमारा चपली कबाब, ये भी बहुत ही कमाल और अमेजिंग तरीके से बना रहे हैं। तो मसाले आपने देखा इसमें ददड़ किस्म के डालते हैं, कोई भी पिसे हुए ग्राइंड हुए मसाले नहीं है, तो काफ़ी अमेजिंग है ये भी। इसको चेक करता हूँ मैं, ये देखें ज़रा, देखें ज़रा कैसे कलरफुल सा और बिल्कुल सॉफ्ट सा बना हुआ है, बहुत नरम है। वाह, चलें इसको चेक करते हैं। माशाल्लाह, अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग एक एक्सपीरियंस है। कबाब जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट, और मसाले इसमें जो ददड़ मसाले डाले हुए हैं तो बहुत ही अमेजिंग टेस्ट है इसका। थोड़ा सा स्पाइसी है ये, ये शायद मैंने चिली खाई इसकी वजह से मुझे लग रहा है, लेकिन कमाल का टेस्ट है, खुशबू बहुत ही अमेजिंग है और कमाल का टेस्ट है, क्योंकि ये बीफ का होता है तो बीफ की थोड़ी सी खुशबू जो है वो बड़ी मज़े की आती है गोश्त की। तो ये जो कबाब भी बना है ये भी माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग बना जी। वाह, तो चलें दोस्तों इसी के साथ मुझे ना इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली फूड रिव्यू वीडियो में, डिलीशियस सी वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़, हे मारे।